एक समय की बात है, गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उनका नाम सत्येंद्र था। सत्येंद्र के पास केवल एक छोटी सी जमीन और कुछ चारा पशु ही थे। उनका रोजगार कुछ खेती करके ही चलता था। दिन भर मेहनत करते हुए भी उनकी आर्थिक स्थिति स्थिर नहीं थी। एक दिन सत्येंद्र ने सभी अपने संगठनों को एक बारीकी से विचार करने का निर्णय लिया। वे यह समझने की कोशिश करने लगे कि उनके द्वारा की जाने वाली खेती में क्या गलती हो रही है और क्या वे इसे बदल सकते हैं। सत्येंद्र ने अन्य किसानों से सलाह ली और खेती में नवीनतम तकनीकों का अध्ययन किया। उन्होंने बुनियादी बातों को समझा और इसे अपने क्षेत्र में लागू करने का निर्णय लिया। सत्येंद्र ने खेती में सिंचाई की व्यवस्था स्थापित की और उचित उर्वरकों का उपयोग करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक बेहतर खेती तकनीक को अपनाया जिसने उनकी उपज को बढ़ावा दिया। जीवन में अपार संघर्ष के बावजूद सत्येंद्र ने एक नया रास्ता ढूंढ निकाला। वे अपनी उपज को नजदीकी शहरों और बाजारों तक बेचने का प्रयास किया। उन्होंने अपने उत्पादों को ब्रांडिंग और पैकेजिंग के माध्यम से आकर्षक बनाने का प्रयास किया। उनकी मेहनत और संघर्ष ने उन्हें अच्छे मूल्यों पर उपज बेचने का मौका दिया। शहरी लोग उनकी उपज के गुणवत्ता और आवश्यकता को महसूस करने लगे और खरीदारी के लिए उनकी खेती से प्रेरित हुए। धीरे धीरे उनकी खेती उन्हें संपत्ति का मालिक बना दी। वर्षों के बाद सत्येंद्र ने अपनी जमीन का आकार बढ़ाने का निर्णय लिया और नए उचित तकनीकों का उपयोग करने का निर्णय लिया। वे एक बड़ी खेती उद्योग की स्थापना करने का सपना देख रहे थे। आज सत्येंद्र गरीब परिवार से अमीर व्यापारी बन गए हैं। उन्होंने अपनी मेहनत, समर्पण और अद्वितीय विचारधारा के बल पर अपने सपनों को साकार किया है। वे आज खुद को गर्व महसूस करते हैं क्योंकि वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार ला सके। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आपकी आर्थिक स्थिति केवल आपके पास कम काम करने वाले विचारों से ही नहीं बल्कि आपके कर्म और संघर्ष से निर्धारित होती है। सफलता का रास्ता दुहक, कठिनाइयों और विपरीत परिस्थितियों से भरा होता है, लेकिन अगर हम इन सभी के मुकाबले से आगे बढ़ने का निर्णय लें तो हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि संपत्ति कमाने का सबसे महत्वपूर्ण तत्व हमारी सोच और दृष्टिकोण है। अगर हम अपने सपनों के पीछे दृढ़ता से खड़े रहें और संकल्प से काम करें तो हम अपनी संपत्ति और सफलता को चुनौतियों से पार कर सकते हैं। अगर ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।